पायल दिस साइड फ्रॉम अमेजिया सलोन एंड एकेडमी डेट 3 में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताऊंगी, लास्ट आपने मैंने आपको सिखाया था व्हाट इज अ कलर व्हील। कलर व्हील के साथ मैंने आपको बताया था प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, टर्शरी कलर कौन से होते हैं। बट क्या आपको पता है ये टर्शरी कलर होते क्या हैं और किस काम आते हैं? मैंने आपको बताया था ना, आपको रिमेम्बर होगा कि कलर नहीं यूज करना है, ऐसे ही ग्रीन कटर यूज करना है, क्योंकि हर एक शेड कार्ड में कुछ कलर्स भी आते हैं और कुछ कटर्स भी आते हैं, तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना। कहीं ये ना हो कि आपने कलर कट करना है और आपने रिफ्लेक्शन की जगह पे, कटर की जगह पे वॉलेट कलर यूज कर लिया, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो आज हम सीखेंगे कौन सा कलर किसको कट करता है। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखा और समझा तो आपको कभी भी कलर कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी वे से मैं आपको सिखाने लगी हूँ। तो लेट्स सी, फर्स्ट कहते मैंने क्या बताया था आपको, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं हमारे? रेड, ब्लू एंड येलो। ये तो हमने अपने माइंड में बिठा लेना है कि तीन प्राइमरी कलर है, रेड, ब्लू एंड येलो। देन सेकेंडरी कलर कौन से हमारे? वायलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन। ये आप सबको याद करना है। प्राइमरी कलर हो गए हमारे रेड, ब्लू, येलो। सेकेंडरी कलर हो गए वायलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था टर्शरी कलर कौन से होते हैं। कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। टर्शरी कलर में क्या करना है, हमने इन दोनों कलर को मिक्स करना है। रेड प्लस वायलेट हो गया, रेड प्लस ऑरेंज हो गया, ये ऑरेंज प्लस येलो हो गया, ग्रीन प्लस येलो हो गया, ग्रीन प्लस ब्लू हो गया, हमारा ब्लू प्लस वायलेट हो गया। इन दोनों कलर्स को ही, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को एड ऑन करके हमारे क्या बनते हैं? टर्शरी कलर। इन टर्शरी कलर को हमने याद करना है, क्योंकि टर्शरी कलर हमें याद करने इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब हम कलर में मूवमेंट करते हैं, जब हम क्लाइंट्स के कलर करते हैं, उनके बेस कलर को जब हम प्री राइट करते हैं, उसके अंदर से जो अंडर टोन्स निकलते हैं, अंडर टोन्स को हम इसकी हेल्प से बहुत ही ईजिली कट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा, यहाँ पे है रेड प्लस वायलेट। अब रेड प्लस वायलेट को कटिंग करने के लिए हमने क्या करना है, जैसे आपको पता है रेड का एंटी है ग्रीन, वायलेट का एंटी है येलो, येलो का एंटी है वायलेट, ऑरेंज का एंटी है ब्लू, ब्लू का एंटी है ऑरेंज। ये आपस में एंटी कलर्स हैं। जब हमने इन दोनों को ऐड किया, जैसे कि मैंने क्या ऐड किया, रेड प्लस वायलेट, तो हमारा क्या ही बन गया। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि टर्शरी कलर में हम कटिंग कैसे कर चुके हैं। टर्शरी कलर हमें याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी क्लाइंट के प्री लाइटिंग की और उसके नीचे ऐसे अंडर टोन आया, अंडर टोन में क्या आता है, उसमें कलर आया रेड एंड येलो, ये दो अंडर टोन्स आ गए। अब रेड एंड येलो दोनों को ही कट करना पड़ेगा, तभी हम कोई कलर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, रेड के अंदर हमने थोड़ा सा ऐड ऑन किया ग्रीन, क्योंकि रेड कलर को कौन कटिंग करेगा, ग्रीन। उसके बाद जो येलो अंडरटोन आया, येलो अंडरटोन को कौन कट कर रहा है, वायलेट। तो हमने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा वायलेट ऐड ऑन कर दिया। अब ग्रीन रेड को कट कर रहा है ग्रीन, एंड येलो को कट कर रहा है वायलेट। ये तभी आपस में ये एंटी कलर्स दिए हुए हैं। अब उसके बाद जो कलर आया है क्लाइंट का प्री लाइटनिंग करने के बाद, रेड प्लस ऑरेंज। अब रेड को क्या कट करेगा, ग्रीन। रेड को कट करने के लिए हम क्या ऐड ऑन करेंगे, ग्रीन। और ऑरेंज को कट करने के लिए हम यूज क्या करेंगे, ब्लू, क्योंकि ये दोनों हमारे कटर्स हैं, ये हमारे अंडरटोन्स आए हैं। अंडरटोन आया है रेड एंड ऑरेंज, और रेड को कट करेगा ग्रीन और ऑरेंज को कट करेगा ब्लू। अब इसी तरह हमारा ऑरेंज प्लस येलो, एक कलर प्री लाइटनिंग की क्लाइंट के, हमने उसमें आया येलो टिंट भी आ रहा है
और ऑरेंज टिंट भी आ रहा है हमारा। अब मैंने आपको बताया था कि आपस में एंटी कलर्स हैं, दोनों अगर कलर्स ऐसे आ जाएंगे तो हमने कटिंग कैसे करनी है। अब ऑरेंज को जो कट करेगा वो हमारे पास ब्लू अवेलेबल है यहाँ पे, और येलो को जो कट करेगा वो हमारे पास है यहाँ पे वायलेट। इस कलर व्हील के चार्ट से आप बहुत ही इजीली कलर को कट कर सकते हो। अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, आपको ये चीज़ें याद नहीं होती, तो आप इसकी पिक्चर भी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा आपका, जब भी आपने कभी कोई कलर क्यों किया, अगर आपको सिंगल अंडरटोन दिख रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर येलो अंडरटोन दिख रहा है सिंगल, फिर आपने सिर्फ वायलेट मिक्स करना है। अगर आपको सिंगल अंडरटोन दिख रहा है रेड, फिर आपने जस्ट ग्रीन ऐड करना है। अगर एक और अंडरटोन सिंगल ऑरेंज दिख रहा है, फिर आपने ब्लू ऐड करना है। बट अगर आपको दो अंडरटोन यूज दिख रहे हैं तो आपने दोनों को ही कट करना है। तब हमारे ये फार्मूला यूज होगा टर्चरी कलर वाला, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही कलर्स को कट कर रहे हैं। इसके लिए आप इस चार्ट को याद कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, आप अभी याद नहीं कर सकते, तो आप इसकी पिक्चर लेके रख सकते हैं। इससे अगर जब भी कभी कोई क्लाइंट आता है तो आपको बहुत इजी रहेगा कि मेरे दो अंडरटोन्स आ रहे हैं या सिंगल अंडरटोन्स आ रहा है, तो उसको कट करना बहुत ही इजी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने रिफ्लेक्शंस कौन से होते हैं, और हमने स्कॉचकॉफ सा कौन सा कटर यूज़ करना है, लॉरियल का कौन सा कटर यूज़ करना है, जिससे हम अपने जितने भी अंडरटोन्स हैं उनको कट करके एक अच्छा सा परफेक्ट कलर तय के हेयर पे कर सकते हैं। थैंक यू।